हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिज़ल्ट आया हुआ था ग्रुप डी, ग्रुप सी और ड्राइवर और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। तो लोग अपना रिज़ल्ट, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जिन लोगों का रोल नंबर खो गया है या अगर रोल नंबर नहीं पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए स्पेशली ये वीडियो है। कि मेरे पास बहुत सारी कमेंट आई हुई हैं, तो रिप्लाई मैं उनको वीडियो के थ्रू करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉलो करिए। देखिए, इसमें अगर रिज़ल्ट भी आपको देखना है तो रिज़ल्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से नीचे आएंगे, नीचे ऑप्शन नंबर आपको 16 में जाना है। ऑप्शन नंबर 16 में जाएंगे, देन ये पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज ओपन होने के बाद में आप स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल में आपको ये नीचे एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक में आपको जाना है। देन आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए होम पेज में। किसके? इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल होम पेज है, इस ऑफिशियल होम पेज में पहुँच गए हैं। ठीक है, आपको नीचे आना है। यहाँ पर साइन इन के ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे साइन इन करना है यूज़र के लिए है, और साइन इन यहाँ पर करना है फॉरगेट रोल नंबर के लिए। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन स्टेटस चाहिए तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हमें रोल नंबर फाइंड करना है, तो रोल नंबर फाइंड करने के लिए हम रोल नंबर वाले ऑप्शन में जाएंगे। चलिए, रोल नंबर वाले ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो आपको फिलअप क्या क्या करना होगा। देखिए, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है आपको, और DOB फिलअप करनी है, यानी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है आपको। उसके बाद में आप क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे। फिर इसके बाद आप रोल नंबर अपना देख पाएंगे। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले फाइंड कर लीजिए, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है तो रोल नंबर कैसे फाइंड करेंगे आप। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भूल गए हैं या पता नहीं है आपको, जैसा जो भी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, या पता नहीं है, भूल गए हैं, तो मैंने जैसा बताया कि आप रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी ईमेल आईडी आपकी हो, जो आपने डाला हो फॉर्म फिलअप करते समय, या आपने फिलअप करते समय डलवाया हो, तो ध्यान रखिए कि आपको रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर डालनी है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली, आराम से कर सकते हैं। और इस पेज का डायरेक्टली, मैं इस पेज की बात करूं दोस्तों, जहां से आपको जाना है, ऑफिशियल होम पेज की बात कर रहे हैं हम, तो ऑफिशियल होम पेज की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जो भी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं।